सत्तारूढ़ भाजपा निकाय चुनाव को अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन का पूर्वाभ्यास मानकर मैदान में उतरी थी और पार्टी ने चुनावी पिच पर बैठा ही दमखम भी लगाया था। रोहिलखंड की बाकी लोकसभा सीटों में तो भगवा विजय रथ रफ्तार से दौड़ा, मगर आंवला लोकसभा क्षेत्र में उसकी हालत पतली नजर आई। 5 विधानसभा फरीदपुर बितरी, आंवला शेखुपुर और दातागंज में भाजपा निकाय की 12 में से 2 ही सीट जीत पाई है। इनमें पहले से कब्जे वाली एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायत सीटें भी भगवा ब्रिगेड के हाथों से छिन गई हैं। चुनावी ट्रैक पर भाजपा को यह नुकसान तब हुआ है जबकि आंवला लोकसभा में भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप सांसद हैं। योगी सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री सदन में आंवला का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और हाल ही में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने दुर्विजय सिंह साकी भी आंवला लोकसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। दिग्गजों की चिंता अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी आंवला पर रणनीतिक रूप से नजरें जमाए है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को आंवला के रण में उतारने को लेकर सपा में अंदर खाने गंभीरता से मंथन हो रहा है। रोहिलखंड की आंवला लोकसभा सीट बरेली और बदायूं जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनी है। इनमें फरीदपुर बितरी और आंवला बरेली जिले की सीटें हैं तो शेखपुर और दातागंज बदायूं से ताल्लुक रखती हैं। भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप आंवला से दूसरी बार सांसद हैं। मौजूदा समय में देखा जाए तो इस संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से 4 फरीदपुर बितरी आंवला और दातागंज में भाजपा का कब्जा है जबकि शेखपुर सपा की झोली में है। ऐसी राजनीतिक ताकत देखते हुए भाजपा रणनीतिकारों को निकाय चुनाव में आंवला के सभी नगरीय इलाकों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। चुनावी नतीजे सामने आए तो 12 में से 2 सीटों पर ही पार्टी को जीत नसीब हुई। क्षेत्र में बदायूं की भी 2 सीटें आती हैं, मगर वहां भी सिर्फ 2 ही जगह कमल खिल सका। यह स्थिति तब हुई जब सीएम योगी ने बरेली और बदायूं में आकर जनसभाएं कर प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी। 2017 में आंवला नगरपालिका चेयरमैन की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा हुआ था, मगर इस बार वहां से सपा के आबिद अली ने समाजवादी झंडा बुलंद कर दिया। फरीदपुर में भाजपा ने अपनी वर्तमान चेयरमैन पूनम गुप्ता की जगह उनके पति ब्रह्मा शंकर गुप्ता को पालिकाध्यक्ष पद पर उतारा था तो समाजवादी पार्टी के सराफत जरीवाला ने शिकस्त दे डाली। फतेहगंज पूर्वी में भाजपा के मौजूदा चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल को पार्टी के बागी चेहरा संजय पाठक ने पराजित कर दिया। विशारतगंज में बसपा के मोहम्मद ताज विजयी रहे और भाजपा के बैनी राम मुकाबले में 4th नंबर पर खिसके नजर आए। सिरौली और ठिरिया में भी भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा, जहां क्रमशः कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी AIMIM विजयी रही हैं। अब बात बदायूं की करें तो आंवला संसदीय क्षेत्र में आने वाली अलापुर नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव आजाद समाज पार्टी की हुमा बी जीती हैं। ओसावा चेयरमैन चुनाव में निर्दलीय प्रियंका सिंह ने भाजपा उम्मीदवार को शिकस्त दी है। उचैत में निर्दलीय नवाब हसन ने भाजपा के गौरव सिंह को परास्त कर डाला। ककराला और सखानू में भी भाजपा को निर्दलीय के आगे हार का सामना करना पड़ा है। बुलड़िया और दातागंज में अगर भाजपा उम्मीदवार न जीते होते तो आंवला संसदीय क्षेत्र में पूरी भाजपा निकाय गणित के मामले में 0 पर खड़ी दिखाई देती। नगरी और कस्बाई इलाकों में अचानक भाजपा को हुए चुनावी नुकसान ने पार्टी रणनीतिकारों को गहरी चिंता में डाल दिया है। पड़ोस के बरेली संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने मेयर सहित अधिकांश निकाय सीटों पर कब्जा जमाया है, वहीं आंवला की हालत बहुत घाटे की रही है। वैसे तो पार्टी के अंदर आंवला क्षेत्र में मिली हार के पीछे बगावत और भितरघात को जिम्मेदार माना जा रहा है, मगर आंवला व बदायूं संगठन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस क्षेत्र से जुड़े सभी पार्टी के दिग्गज हार की अपनी अपनी तरह से मीमांसा कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य ने हर सीट की रिपोर्ट मांगी है और भविष्य के लिए मजबूत बुनियाद खड़ी करने की तैयारी में वो अभी से लग गए हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी आंवला का रिपोर्ट कार्ड सामने आने के बाद थोड़ा राहत फील कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के लिए पूर्व सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य को आंवला लोकसभा प्रभारी बनाया था। सपा सूत्रों का कहना है कि आंवला लोकसभा के रण में भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के सामने समाजवादी पार्टी अब की बार मौर्य कार्ड खेल सकती है और सपा के मौर्य चेहरा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं। हालांकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी समय है, मगर उसके लिए पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 2024 की तैयारियों के बीच आंवला संसदीय क्षेत्र में निकाय चुनाव के परिणाम भाजपा कैंप की नींद उड़ाने वाले हैं। देखना यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा आंवला बेल्ट की अपनी नगरी जमीन में फिर से कैसे जान फूंकती है।
निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।